नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यू वीडियो न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। आज 13 राज्यों की 79 सीटों पर मतदान किया जाएगा, पर बीजेपी के लिए 102 सीटें 400 पार के किले के द्वार के बराबर है। आज 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होंगे, जिनमें केरल की 20 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटें, राजस्थान की 13 सीटें, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8 सीटें, मध्य प्रदेश की 7 सीटें, असम और बिहार की 5-5 सीटें, 3 सीट शामिल है। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ तथा जम्मू कश्मीर, मणिपुर और त्रिपुरा में एक एक सीटों पर चुनाव होगा। बता दें, पहले फेज की वोटिंग 21 राज्यों की 102 सीटों पर हुई थी। पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही है और गाजियाबाद को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। पार्षद, विधायक, मेयर, सांसद हमेशा बीजेपी के रहे हैं, लेकिन आप गाजियाबाद शहर के अंदर हुआ है ना, कोई शिक्षा पे काम हुआ है ना कोई चिकित्सा पे काम हुआ है, और ये वाहवाही लूटने का काम करते हैं। इन्होंने गाजियाबाद की जनता को ठगने का काम किया है। इस बार गाजियाबाद की जनता गठबंधन प्रत्याशी डोली शर्मा को देख रही है, और डोली शर्मा जब सत्ता में नहीं रहती है और विपक्ष में भी रहते हुए वो जनता की आवाज उठाने का काम करती है। ये लोग सत्ता में रहते हुए भी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और आम जनता को ठगने का काम करते हैं। आपके यहाँ बीजेपी से गठबंधन उसके बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग हैं, जिन्होंने कोरोना काल में उत्तर प्रदेश से स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जनता के लिए अपने दरवाजे बंद करने का काम किया और अपने घर परिवार के लोगों के लिए अपनी उनकी जमीन कब्जाने का काम किया। तो जनता ऐसे प्रत्याशी को कैसे चुनेगी? आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, क्या वो सफल हो पाएगा? 400 पार का नारा तो उनका डीजल पेट्रोल 400 पार करना है। सिलेंडर को जैसे 370 से लाके 1100 ला दिया, ऐसे डीजल पेट्रोल को 400 पार करने का नारा है इनका, ना कि सीट जीतने का। और अगर ये 400 पार का नारा दे रहे हैं तो संविधान बदलने का काम करेंगे, आम जनता को ठगने का काम करेंगे। आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं उन पे काम करने की जरूरत है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है।